निगरान वजीर आजम कौन होगा? इत्तेहादी जमातों में मुशावरत का अमल जारी है, राब्तों में तेजी आ गई। निगरान वजीर आजम के लिए झाग डाक के बाद अब इरफान कादिर का नाम भी सामने आ गया है। नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से तजवीज किया गया है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए। निगरान वजीर आजम कौन होगा? इत्तेहादी जमातों में मुशावरत का अमल जारी है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल बलोच से। जी सुहेल, किन नामों पर गौर किया जा रहा है अब? हाँ जी बिल्कुल, जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर, इनका नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जेरे गौर है। और सुनो न्यूज को जो है ये नाम लगा लिया, पता लगा लिया सुनो न्यूज ने। और जराये मुस्लिम लीग नून के मुताबिक साबिक अटॉर्नी जनरल जो इरफान कादिर हैं, इनको निगरान वजीर आजम बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो इत्तफाक राय पैदा कर लिया गया। और कभी इम्कान इनका है कि ये भी, इनका नाम जो है वो भी ज़ेर गौर है। और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर जो है, इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इससे कबल जो है बेशतर नाम जो है वो ज़ेर गौर थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कैद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर की जानब से जो है वो इरफान कादिर का निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो नामों पर गौर है। और इसका ये भी कभी इम्कान ज़रा बता रहे हैं कि अगर इसमें इत्तेहादी जमातें जो हैं वो जो इत्तफाक राय कर लेती है तो निगरान वजीर आजम जो है वो इरफान कादिर हो सकते हैं। जी, निगरान वजीर आजम के लिए साग डार के बाद इरफान कादिर का नाम भी सामने आ गया, नाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से तजवीज किया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।